وسلم صلى الله عليه 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 وسلم. आंखें खोल, क्यों बोल रहा है सर? मैं ये नहीं बोल रहा, कब से जानते हो बच्चे को? आंखें खोल मारूंगा मैं, डेढ़ साल से। क्या बात है, पता है कहाँ बैठा है? लाल शाबाश के अंदर पाक के अस्पताल में, सरकार की गद्दी है लाल शाबाश के अंदर। तू बता दे, हिंदू है या मुसलमान है? तो आंखें इधर करके बात करो ना, धुआं चाटा तो उनका हिंदू। हिंदू जिन्ना तो उसको आंखें इधर करके बात कर। हाँ पता है, जिसको मम्मी उसको हाथ पकड़ो होगा, इसके हाथ पकड़ो, इसके तेरे हाथ पकड़ेगी तो। हाँ बाबा, इसकी गर्दन भी पकड़ो, गला भी पकड़ो, इसकी पसलियां भी दबाओ, तेरा गर्दन पकड़ेगी इसमें। हाँ। बाबा दबाओ ना, इसकी गर्दन को दबाओ, पसलियां दबाओ, इसको एहसास तो अल्लाह के वलियों का, जान निकालो साले की। कौन से इलाके से पकड़ा? मैं उस काम पे से वहां से आता था ना। खबरदार, जो बच्चे को बीच में लेकर आया एहसान को, तू अपनी बात कर। इलाके से पकड़ा। कौन से इलाके से? घर की तरफ से। कौन से घर की? नानी के। किसकी नानी? मेरी नानी। अबे तेरे को मैंने बोला कि मेरे को आसान से बात नहीं करी, तेरी समझ में बात नहीं आ रही है? हिंदू से बात करनी जिसने पकड़ा इसको। इतना आसान है हिंदू का हमारे नबी पाक से दरूद सलाम पढ़ना? बता कौन से इलाके से पकड़ा, कहां रहा लड़का ये? बात नहीं करेगा नानी की तरफ से? नानी आसान से बात नहीं करेगा। आसान से बात नहीं करेगा, आसान को जिसने पकड़ा उससे बात करेगा। तुमने पकड़ा आसान को? हाँ या ना? ऊंचा बोल। हाँ। कितने टाइम हो गया? डेढ़ साल। कहाँ से पकड़ूंगा? नानी के। किसकी नानी? तू कौन है? जिन्नात। जिन्नात की नानी के घर कहाँ से आएगी? सानी नानी के घर से। तो ये बोल ना, टोपियाँ क्यों कर रहा है मेरे से? हसान की नानी के घर से तेरे हाथ पकड़े कि यहाँ किसी ने? सच? हाँ। गर्दन पकड़ी है? हाँ। तेरे को तकलीफ ही नहीं हो रही? अगर तू जिन्नात है तो ये लोग छोड़ते नहीं है। वो तू हिंदू है, तेरे को किसने बताया तू हिंदू है? कौन से भगवान का भक्त है तू? तो तू, तेरे को बताया किसने कि तू हिंदू है? ऐसे हिंदू पता नहीं है तेरे को? तू हिंदू है मुसलमान तेरे को नहीं पता? तो बता रहे हैं, माल खा के बताएगा मुसलमान कौन? मुसलमान आसान है तू? और आसान मुसलमान? और तू भी मुसलमान है? अभी तो बोलते हैं हिंदू। चलो अभी टेक्स देख लेते तेरे को, मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ अल्लाह के वली हैं। सुभान अल्लाह, सलाम नहीं करना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात है। यहाँ भी कोई बैठा हुआ है? कौन है? कोई बैठा हुआ है। कितने हैं? सही। चलो ए, 28 के 28 जिन्ना तो जलवा दिखाओ अपना। देख 28 जिन्ना बैठे हैं, नजर आ रहे हल्के हल्के दिख रहे हैं। अब देखो
सुभान अल्लाह बोल, सुभान अल्लाह, इनको सलाम नहीं करेगा? सलाम अलैकुम। अच्छा, ये इनको पूछ के आप लोगों में कोई सोलंगी है? आप लोगों में कोई सोलंगी है? अच्छा, इब्राहिम है? शाहबाज, यासिर, बिलाल, जब्बार, कोई भी नहीं है? 28 का 28 बैठे में बात नहीं कर रहे? नहीं। तुमने बोला अस्सलाम वालेकुम, किसी ने भी जवाब नहीं दिया? नहीं। बोलो वापस अस्सलाम वालेकुम, जवाब किसी ने देंगे? जवाब दिया किसने? जवाब दिया सारों ने? जवाब दिया किसी ने? एक ने? एक ने। कौन है जिसको पूछो तुमने, जिसने जवाब दिया? बोलो तेरा नाम क्या बाबा पूछ रहे? तेरा नाम क्या बाबा पूछ रहे? लाल शाहबाज कलंदर। सुभान अल्लाह, लाल शाहबाज कलंदर नहीं, इसका नाम शाहबाज है। शाहबाज है? हाँ। पूछ तेरा नाम शाहबाज है या नहीं? तेरा नाम शाहबाज है? हाँ, इसका नाम शाहबाज है। सुभान अल्लाह, यहाँ अल्लाह के वली कितने नजर आ रहे हैं मेरे पीछे? बहुत है। पक्का मुसलमान है तू? अब तुझे क्या जरूरत पड़ी झूठ बोलने की? मैं हिंदू हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तू मुसलमान है। बाबा इसके गर्दन भी छोड़ दो, हाथ भी छोड़ दो। अब बता, तेरे हाथ छोड़े गर्दन छोड़े कोई किसी ने? अच्छा, तू एक बात बता कि तू कितना बड़ा होगा, तेरी उम्र कितनी होगी? तू चाहता है हम तेरे को अपने आस्थाने पर रखें, जाएं 28 बैठे तेरे को भी बिठाएं अपने पास, या तेरे को जिन्नातों की जेल में भेजें? बिठा दो, देख हम मालूम करेंगे हजरत साहब से, हमारे पीर साहब से, मौलाना इलियास कादरी साहब को देखा तूने कभी? नहीं देखा। अच्छा अच्छा ठीक, गोश पाक का मुरीद करें तेरे को? हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब को बुलाने लगे हैं अभी, ठीक है? जब तेरे को हज़रत साहब नज़र आए हैं तो उनके हाथ में ऐसे हाथ दे देना, ठीक है? मेरे पीछे अल्लाह के वली नज़र आ रहे हैं ना, इस जगह पे हज़रत साहब आएंगे, तू मुझे हुलिया बताएगा, हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब को तूने नहीं देखा है, तू बता दे तू जिन्नातों में से तेरी उम्र कितनी होगी? पता नहीं। तो तू इस बच्चे से क्या गलती हो गई जो तूने इसको पकड़ा था? गोश्त काट रहा था घर में बैठे। क्या काट रहा था? गोश्त। फिर इनने एकदम छुरी चलाई ना, एकदम छुरी चलाई थी इनने एकदम बीच में, फिर मैं इस पर हावी हो गया। तू हावी हो गया तो तेरे को तकलीफ हुई इसकी काम करने से? क्यों? वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत था। वो नहीं, बीच में बैठ के काट रहा था। तो तू क्या कर रहा था? मैं गोश्त खा रहा था, इनने एकदम मेरे पास ही मेरे पर एक छुरी चला दी। तू गोश्त खा रहा था? क्या बात है तेरी यार, हैं? बिला इजाज़त किसी का गोश्त खाना चाहिए? नहीं। फिर कैसे खा रहा था तू? मुसलमान होकर ऐसे गलत काम करता है, हैं? ये काम है मुसलमानों का? नहीं। अब तेरे को सरकार गोश्त का मुरीद करेंगे और झूठ बोलेगा हमारे से तो तू मार खाएगा। क्या बोला मैंने? झूठ नहीं बोलना। जैसे तूने बोला यहाँ जिन्नात नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं या तूने झूठ बोला है? नजर आ रहे हैं। अच्छा, मेरे पीछे अल्लाह के वली बैठे हुए तुझे नजर आ रहे हैं या झूठ बोल रहा है? नजर आ रहे हैं। ऐसे तुझे इस जगह पे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब नजर आएंगे, जब हजरत साहब नजर आए तो उनके हाथ में हाथ दे देना, वो तुझे गौश्त पाक का मुरीद करेंगे, ठीक है? मैं उनको बुलाने लगा हूँ, ठीक है? बापा फिर सोबत करें, भी आपको याद कर रहे हैं, आप मेरी इज्जत रख ले, लाज रखें, आप आ जाएँ, फिर जिन्नात ने मुझे बिठाया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सरकार बहुत आपका मुरीद हो जाए। मेरे को एक बात बता कि मुसलमान तो तू है, तेरा नाम क्या था? आंखें इधर करना, नाम ही नहीं बता दे। आज से तेरे को हम नाम देते हैं सुल्तान। क्या नाम है तेरा? सुल्तान। बापा
सब्जेक्ट में मेरा आपको याद कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा आए हमारे पास आ जाए तो इज्जत रख ले मेरी, और इस बच्चे को गरीब पर देखे पालन क्या करो अपने हाथ से। अगर देख आए बापा नहीं आए तू तो बोलता मैंने देखा ही नहीं तुझे, क्या पता बापा जी खुलिया बताएंगे, हाथ मेरा अब्बा देगा। सुभान अल्लाह, ऐसे हाथ दे देना, मुरीद नहीं करना है, इनके हाथ में हाथ दे। हाँ, और सारे मिलके बोलो मुर्शिदे अत्तार पर नूर की बरसात, मुर्शिदे अत्तार पर, मुर्शिदे अत्तार पर नूर की बरसात हो। अलहमदुल्ला हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब बैठे हुए और इनका जरा बेटा बता दे उन्होंने कपड़े कैसे पहने, क्या है सर पे, क्या चीजें, क्या नहीं है, क्या नजर आ रहा है तेरे को? टोपी पहने और कपड़े तो पहने होते हैं, कोई बगैर कपड़े के थोड़ी होते अल्लाह के वली। कपड़े कौन से पहने हुए, किस रंग के हैं? वाइट। और सर पे टोपी है, दाढ़ी कैसी है इनकी? कैसी दाढ़ी है, लाल है, काली है, सफ़ेद है, क्या है? काली और सफ़ेद, सफ़ेद दाढ़ी है। अच्छा, ये हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब नहीं है, क्या बोला मैंने? हाथ अपने पास रख, जब हम बुलाएं हजरत साहब नज़र आएं, हजरत साहब का चेहरा जो है वो तुझे बता देते हैं। हसन ने हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब को देखा ही नहीं, देखा आंखें इधर कर, हसन ने देखा है हजरत साहब को नहीं देखा है, हैं? हजरत साहब का हसन को नहीं मालूम, मदनी चैनल वाले हजरत साहब कभी नहीं देखा हसन ने, देखा है ना टीवी में, वही हजरत साहब है, उनको बुला रहा हूं मैं अब। लेकिन हसन की आंखों से देख, मुरीद तू होगा जो जीने, ठीक है? मुरीद करना है इस बच्चे का नाम नदी है सुल्तान, हम चाहते हैं कि ये सरकार हौसला का मुरीद हो जाए आपके हाथ से। अब देख नजर आए मदनी चैनल वाले टीवी वाले, नजर नहीं आए सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, हजरत साहब को जगा दो बाबा, फटो पीछे हजरत साहब को ला लें बाबा, पीर सोबत कल मेरी आपको याद करता है, आप आ जाए उस गुनाहगार की लाज रख लें, या अल्लाह को मदद कर, या अल्लाह तो बाबा इसको मुबी करना है सरकार वास पाक का आपके हाथ से। ऐसी दाढ़ी है लाल, अब तो हाथ दे दे, अब तो हजरत साहब आ गए ना, अब तो बोल दे मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो। बापा अस्सलाम वालेकुम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आ गए। अब बताइए हजरत साहब जो है लाल दाढ़ी वाले हैं या नहीं? लाल दाढ़ी वाले हैं। अच्छा, कपड़े इन्होंने वाइट पहने हैं, सफ़ेद? वाइट। अच्छा, सर पे इमामा है इनका? इमामा है। किस रंग का है? ग्रीन। ग्रीन नहीं बोल, हरा बोलना, हरा, हरे रंग का इमामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बापा इसको मुसलमान करने, चल लड़के सुल्तान नाम रखा है बापा इसका, और आप मुझे बताना इसको कहाँ भेजना है, जिंदा तो भी जेल में भेजना है, अपने पास रखें आप बताइएगा। चल लड़के बोल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं अपने तमाम गुनाहों की तौबा करता हूँ, चोरी चुगली बुरे अमाल से बचता रहूँगा। और ए अल्लाह मैंने मुझे सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक की मुरीदों में शामिल फरमा, और मैंने अपना हाथ
شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کے ہاتھ میں دیا، آج سے میرے پیر ہیں اور اے اللہ کل قیامت میں مجھے سرکار بغداد حضور غوث پاک کے مریدوں میں اٹھا، آمین یا رب العالمین، آمین۔ اپنا ہاتھ اپنے پاس رکھو اور باپا کے سلطان نام رکھا ہے، آپ باپا کو سلام کرو، السلام علیکم، اور باپا سے پوچھو کہ پیر صاحب مجھے تیرے کو سلطان کو نیاز صاحب کے پاس بھیجیں، پوچھو نیاز صاحب کو بھیج دیں آپ کو، بولو پوچھنے پیر صاحب کیا کہاں بھیجیں اس کو، سلطان کو کہاں بھیجیں باپا، سلطان کو کہاں بھیجیں اس کو، آپ بتائیں کہ وہاں نیاز صاحب کو ٹھٹا بھیج دیں جناتوں کی جیل میں، ہاں پوچھو کہاں بھیج دیں، کہاں بھیج دیں، بھیجنا ہے، بولا باپا بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا آپ نے، تو آواز دے بولو کیا پیالہ دے دو، اپنا ہاتھ لے لو کہ باپا بہت مہربانی آپ کا شکریہ، یہ پیالہ دے دو ان کو، بولو پیالہ دو، دے دے، بولے منا آواز دو، بولو شعیب بھائی، شعیب بھائی چلو نہیں ہے تو بولو پیالہ چاہیے بنا کے دو، پیالہ بنا کے دے دو، ہاں جی دے دیا، بولا آنکھیں ادھر ملا، کیا محسوس ہو رہا ہے تیرے کو غوث پاک کا مرید ہو کے، اب کیوں بول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تجھے وہاں جا کے پڑھنا ہے جناتوں کی جیل میں، تو پڑھے گا جب تک تیری زندگی ہے یہ پڑے گا، وہاں جا کے بولے گا کہ پیر صوبت قلندری نے جتنے جناتوں کو بھیجا ہے سب کو بلایا کہ آپ سب یہی پڑھو، پیر صوبت قلندری نے جتنے کو بھیجا وہاں پہ سب یہی پڑھو، یہی پڑھو، اور نیاز صاحب کو ہمارا سلام دینا، نیاز صاحب کو ہمارا سلام، تم دو گے ہمارا سلام، میرا نام پیر صوبت قلندری، تم سلام دو گے ہمارا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، دیکھو حضرت صاحب چلے گا یہاں سے، جی سبحان اللہ، اور وہ داڑھی والے سفید داڑھی والے وہ بھی چلے گئے، اب قریب آ جاؤ تھوڑا سا، اچھا اس بچے کو آپ نے ڈیڑھ سال میں کیا کیا تکلیفیں دی ہیں، تو ایک ہی دفعہ آنکھیں بڑی بڑی کر کے غصے سے دیکھنا ہے، آپ بتاؤ، ایک ہی دفعہ دی تھی، کیا ٹیڑھا میڑھا کر دیا تھا، کیسے ٹیڑھا میڑھا، ذرا کر کے بتا، کر کے پوری طرح پورا کر کے بتا، کیسے کیا تم نے، بالکل ایسے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر کے بتا، سب پورے کیا، اور اس کو میں نے سر کے بل گرا دیا تھا، سر کے بل گرا دیا، اور کیا کیا تھا، میں نے اس کو ہاسپٹل پہنچوا دیا تھا، بس ہاسپٹل پہنچے اب بس، اور بس، اچھا یہ کب دی تھی تکلیفیں تجھے، بقرعید کے تیسرے دن، اور اس کے بعد اب تک کیا کیا تکلیفیں دی، ہاتھ سیدھے کر پیالہ پکڑا ہمارا کل